मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया है। बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने दो बदमाश आए और गोलीबारी करके फरार हो गए। गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने गोलीबारी की घटना आज सुबह करीब 5 बजे हुई। बाइक पर सवार बदमाशों ने सलमान खान के घर पर 4 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी की घटना के वक्त सलमान खान अपने घर में ही मौजूद थे। उनके घर की बाहरी दीवार और बालकनी पर गोली के निशान मिले हैं। इसी बालकनी से सलमान अपने फैंस को अभिवादन करते हैं। उनके बेहद करीब एक जो बुलेट पॉइंट है वो फॉरेंसिक टीम ने पाया है और ये वही बालकनी है जहां पर सलमान खान अक्सर जो खास मौके हो, चाहे उनका जन्मदिन हो या ईद के मौके पर, वो इसी बालकनी में आते हैं और अपने फैंस का अभिवादन करते हैं। तो वही इसके साथ जो दूसरा राउंड आप देख पाएंगे वो उनकी इमारत की दीवार पर लगा हुआ मिल रहा है। सलमान खान के घर पर हमला करने वाले कौन लोग थे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस को शक है कि हमलावर मुंबई से बाहर के हो सकते हैं। फिलहाल गोलीबारी की घटना के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इस बीच मुंबई में सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों की तस्वीर भी सामने आ गई है। तस्वीर में एक हमलावर काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है जबकि दूसरा लाल टी शर्ट में दिख रहा है। दोनों शूटर रोहित गोदारा गैंग के बताए जा रहे हैं। इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस दोनों आरोपियों की गर्मी से तलाश कर रही है। दोनों शूटर्स को लेकर केंद्रीय एजेंसियों को भी अहम सुराग मिले हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं कैसे वो दो हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सलमान खान के बाहर के घर के बाहर फायरिंग कर भाग जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। आज सुबह 5 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। दो हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर भाग जाते हैं। आप ये वीडियो देखिए कैसे दो हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार हैं। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वहां से भाग जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में जिस गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आ रहा है ये उसकी तस्वीर है। इसी विशाल उर्फ कालू ने बीते महीने ही रोहतक में गुरुग्राम के रहने वाले एक स्क्रैप डीलर सचिन की रोहतक में एक ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्याकांड को अंजाम दिया था। तब से विशाल फरार था। विशाल विदेश में बैठे रोहित गोदारा के लिए काम करता है और सचिन हत्याकांड भी विशाल ने रोहित गोदारा के कहने पर अंजाम दिया था। विशाल गुरुग्राम का रहने वाला बताया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कैसे हमलावर की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। हमले के वक्त का वीडियो भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो गया था। फिलहाल मुंबई पुलिस जांच में जुटी हुई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिरकार इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में जिस गैंगस्टर विशाल और कालू का नाम सामने आ रहा है ये वो गुरुग्राम का रहने वाला है और ये उसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी विशाल और कालू ने बीते महीने ही रोहतक में गुरुग्राम के रहने वाले एक स्क्रैप डीलर सचिन की एक ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्याकांड को अंजाम दिया था। तब से विशाल लगातार फरार था। विशाल विदेश में बैठे रोहित गोदारा के लिए काम करता है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप हमलावर की इस वक्त जी न्यूज पर देख पा रहे हैं जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की है। आरोपी का नाम विशाल कालू है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। हम आपको हमले के वक्त का वीडियो भी दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुआ है और आरोपी की वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप जी न्यूज पर इस वक्त देख सकते हैं। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग को अंजाम देने वाले हमलावर की यह तस्वीर है जी न्यूज जो आपको इस वक्त दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरह से गुरुग्राम का रहने वाला ये विशाल है जो इस पूरे फायरिंग कांड में शामिल रहा है। इससे पहले भी ये सचिन हत्याकांड को अंजाम दे चुका है रोहतक में। ये पूरी जानकारी अब तक निकल कर सामने आ रही है लेकिन अभी भी इंतजार इस बात का है कि आखिरकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने का मकसद क्या था और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जोधपुर के काला हिरण केस में नाम आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। आइए आपको बताते हैं कि सलमान खान को कब कब धमकी मिली है।
मार्च 2023 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जून 2022 में मॉर्निंग वॉक पर निकले सलमान खान के पिता सलीम खान जब घर लौटे तब उन्हें धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें सलमान खान को मारने का जिक्र किया गया था। साल 2020 में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें धमकी दी थी और लॉरेंस ने अपने शार्प शूटर से सलमान खान के घर की रेकी भी कराई थी। साल 2019 में दबंग फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी गाजियाबाद में एक शख्स ने सलमान खान को धमकी दी थी। सलमान को भेजे गए ईमेल में उनके घर में बम रखने का जिक्र किया गया था। इसके अलावा साल 2018 में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर कोर्ट के बाहर सलमान खान को धमकी दी थी। देखिए वो तस्वीर हम लगातार आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिन दो हमलावरों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। आप इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि यही वो दो हमलावर हैं जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर भाग जाते हैं और अब फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में है। Zee News.